लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे हॉट सीटों में से एक मैनपुरी को लेकर चर्चाओं का बाजार वोटिंग के बाद अब तक गर्म है। धरती पुत्र नाम से पुकारे जाने वाले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हार जीत के अंतर के कयासों को लेकर अब नेता और राजनीतिक पंडित अपने अपने दावे कर रहे हैं। सपा खेमे का कहना है कि नेताजी कम से कम 3 लाख वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीतकर संसद जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार जीत का अंतर लाखों में नहीं बल्कि हजारों में ही सिमटने वाला है। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी प्रेम सिंह शाह की और उनके समर्थक भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है हम आपको बताते हैं। हार जीत का अंतर खोजने से पहले हमें यहाँ हुए मतदान के प्रतिशत पर पैनी नजर डालनी होगी। मैनपुरी की नगरी मैनपुरी के वोटरों ने इस बार मतदान को लेकर जोश कम दिखाया। इस बार संसदीय क्षेत्र में 2014 की तुलना में 3.09% कम मतदान हुआ। कम मतदान प्रतिशत ने ही नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों की चिंता बढ़ा दी है। इस बार संसदीय क्षेत्र में कुल 57.37% मतदान हुआ। इसमें भी खास बात ये रही कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जसवंत नगर विधानसभा में इस बार 55.60% ही वोटिंग हुई, जबकि 2014 में यहां से 65% मतदान हुआ था। इस क्षेत्र में सपाई खेमे का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है। यहाँ कम हुआ मतदान सपा के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। सपा का किला माने जाने वाले करहल क्षेत्र में भी पिछले चुनाव के मुकाबले 3% कम मतदान हुआ। एक और कारण जो सपा के लिए बुरी खबर ला सकता है वो है भूगांव और मैनपुरी क्षेत्र में सपा के खिलाफ कई जातियों का लामबंद होना। ऐसे में मैनपुरी की राजनीति पर करीबी से नजर रखने वाले जानकारों की माने तो 23 मई को जब मतगणना का आखिरी रिजल्ट आएगा तो नेताजी की जीत तो होगी, लेकिन जीत का अंतर लाखों में होने की संभावना कम है। जीत का अंतर संभव है कि 20,000 से 50,000 के बीच सिमट जाए। ऐसे में नेताजी संसद तो जाएंगे, लेकिन एकतरफा जीत सपा का अभेद गढ़ और सबसे बड़ी जीत जैसी शब्दावली का प्रयोग जो अब तक सपा खेमे के लोग करते रहे हैं वो कहना संभव नहीं होगा। जीत भले ही नेताजी की होगी, लेकिन इतने बड़े नेता को बेहद करीबी फाइट देने के बाद बीजेपी के लोग खुद की वाहवाही करते दिखाई दे सकते हैं। जीत को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों पर विराम 23 मई को लगेगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे और तब पता चलेगा कि सपा का दावा सच साबित होता है या फिर बीजेपी का दावा सही साबित हुआ है। मीडिया हलचल के लिए विशेष संवाददाता अर्पित जैन की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।